अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हाँ भाऊ, किम जो आज जल्दी आ गया काम से? अरे हाँ, आज भूख भी बहुत जोर से आ गई थी और काम भी वैसे जल्दी खत्म हो गया था। दरअसल आज कुछ माल रिजेक्ट हो गया, इसलिए सेटिंग का काम रुक गया। हाँ वो मेरे ही कारण हुआ है। वो हीरो को मैंने परख के उनकी गुणवत्ता पे प्रश्न चिन्ह लगाया ने एटला माटे यहाँ गुप्ता जी प्रसन्न हुए हैं। आगर भी उनके साथ में काम करने को बोला है। देवा शपथ संग तो भाऊ, आपको देख के मैं समझ गया कि आप में ही दम है, वरना हमारे मालिक पहले ही मुलाकात में ऐसे ही किसी को रहने की जगह नहीं देने वाले। अब चाहे मुंबई हो या गुजरात, मानुष तो वही तरक्की करेगा जिसको काम आता है। अरे ना ना भाऊ, ये तो गुप्ता जी का बड़प्पन है कि हमको रहने के लिए मकान दिया अने काम भी दिया। फिर गुजरात में आपका परिवार तो खुश हुआ होगा। ये बात जानकर उनको इस बात की खबर दे कि नहीं? आपके परिवार में कौन कौन है, बेटी बेटा? जो मसूर कर भाव पुख्ता एक विनती है, मेरे दिकरे का नाम ये बेटा बोलते हो ना, उसका नाम मेरे सामने मत ले लो। माफ करना दामजी भाई। बाकी जो आनंद का प्रसंग है ना, तो आनंद करते हैं, बराबर ना? मैं समझ सकता हूँ। अच्छा आप इससे मिली, ये है मेरी धर्म पत्नी यानी भाई को सखु भाई। आज ही आइए गांव से कुछ दिनों के लिए। अरे जय श्री कृष्ण, घणो आनंद थयो। केम छो? એટલે કસા ખાય? वो मेरी धर्म पत्नी है ना कंकु, वो आपसे मिलके बहुत खुश होगी, साथ ही मिलेगी ना उसको भी। लेकिन वहनी है कहाँ? अरे बारी होगी, मेरे साथ में ही आवी। या कंकु, या सांभळे छे? बारी होगी, जोईने आवो। आओ या छोकरी, क्या गई तू? ए भाऊ, जो तो मैं आया ना तो मेरे साथ में ही थी। अग भाई, मुंबई में नहीं है क्या? कहीं खो गई तो? यहाँ के आसपास की गली एक जैसी है, पिछली बार मैं भी खो गई थी। हाँ अरे मसूर कर भाऊ, जरा चलो ना साथ में, देखे ना क्या गई। हाँ हाँ, क्यों नहीं। भाई, वो टपोरी छोकरे जिन्होंने वहनी का रास्ता रोका था, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि गड़बड़ हो गया है? ये लेना। मेरी पत्नी कहाँ है? ऐसे पर घर का मलका ही नहीं हो। जो है, जो भी है ना, मेरे बीच में है, मेरे धर्म पत्नी को वच में मत लाना। हो रे पकिया, अब बोलना। अरे कहाँ है वहनी? आय शपथ भाई, उस दिन से हम लोगों ने कसम खाई कि हम लोग इनके आड़े नहीं आएंगे। मेरे को नहीं मालूम कौन किधर है। ए, 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 आप लोग समझाते क्यों नहीं, वरना खामा खा हम लोगों के बीच में पंगा हो जाएगा। लास्ट टाइम आपके हाथ के डंडा खाया, गणपति बप्पा की कसम, हमें कुछ भी नहीं पता। दामजी बाबू, शायद वहां गणपति का मंदिर है, उसके बाजू में हम लोग चलते हैं। मुझे लगता है वहीं वहां ही गई होगी, वहां महाआरती होती है। चलिए। मैंने पहली बार सबके सामने आपको गलत साबित किया। ये क्या किया आपने? पूरे किए करा में पानी।
बस अभी हमारा काम शुरुआत ही हुआ था, हमारा आपने हमें ब्लैकलिस्ट कर दिया। पता चल गया उन्हें कि वो धर्मपुर का माल नहीं है। कंसाइनमेंट रिजेक्ट। कल की लड़की मुझे हराएगी। पहली बार विशाल ने मुझसे ऊंची आवाज में बात की। नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सब पछताएंगे। जी मैडम। हितेन को बुलाओ फौरन। हाँ जी। अचानक मेरी याद कैसे आ गई? मजदूरों को बोनस दिलवाकर ये मत समझना कि तुम मुझसे जीत जाओगे। धर्मराज मैयावंशी का खून हूं मैं। कर्म करने में विश्वास रखता हूँ, हार जीत में नहीं। पर अपनी छोटी सी हार से तुम डर गई? जस्ट शट अप हितेन। दान देने से या बोनस देने से बिजनेस नहीं चलता है। बिजनेस के उसूल होते हैं। जिसने नुकसान किया है भरपाई भी वही करेगा। तो नुकसान भी तो तुम्ही लोगों ने किया है। और इस तरह से ऊंची आवाज में बात करके तुम इस बात को गलत साबित नहीं कर सकते। किसने कहा था कि सूरनपुर से माल मंगाकर मैयावंशी डायमंड बाइक्स में पैक कराकर मुंबई भिजवाने के लिए? इस तरह से कोई कंसाइनमेंट पूरा नहीं किया जाता। पहले ही कारीगरों की बात मानी होती तो आज मैं ये दिन देखना नहीं पड़ता। पर हितेन मैयावंशी, इस कंपनी की मालिक अब मैं, आई एम द बॉस, और तुम सिर्फ एक मामूली एम्प्लॉई, इसलिए अपनी घटिया राय अपने पास रखना। बिजनेस में जब फायदा होता है तब मजदूरों को बोनस दिया जाता है। आज बिजनेस में नुकसान हुआ है ना, तो इस नुकसान की भरपाई भी मजदूर करेंगे। मॉम, क्या हुआ? कुछ नहीं, अपने नुकसान की भरपाई कर रही हूँ। तुम इस कंपनी के मैनेजर हो और मजदूरों के लीडर, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस नुकसान की भरपाई कैसे की जाए। ये सारा कंसाइनमेंट मैं खरीदूंगा। व्हाट? तुम खरीदोगे? ये सुनाई नहीं दिया? ये सारा कंसाइनमेंट मैं ही खरीदूंगा। ठीक है, लेकिन इसकी कीमत में हमारा 10% का प्रॉफिट भी शामिल होगा। तुम्हें मुनाफा भी मिल जाएगा। पर एक बात मेरे ध्यान से सुन लो, एक बार ये डील हो गई उसके बाद तुम पीछे नहीं हट सकती। डन। एक मिनट, मॉम मेरे साथ आओ। मॉम, इसके दिमाग में जरूर कोई प्लान चल रहा है। ये हमारे साथ खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। वरना कोई पागल है क्या जो रिजेक्टेड माल खरीदेगा और हमें 10% का मुनाफा भी देगा? विशाल, इस वक्त हमारे लिए प्रॉफिट ज्यादा जरूरी है। हमारे रिजेक्टेड माल पे हमें 10% का प्रॉफिट मिलना है, और ये माल हितेन खरीदे या कोई और, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे जो करना है करने दो। हितेन, मुझे ये डील मंजूर है, लेकिन मुझे अपने प्रॉफिट के साथ अपना चेक चाहिए। तुम्हें तुम्हारा चेक मिल जाएगा, पर एक बात जरूर कहूंगा मैं तुमसे, बहुत घाटे का सौदा किया तुमने आज। मॉम, क्या कह के गए हो? कुछ नहीं, बस खोखली धमकी देकर गया है। घाटे का सौदा हमने नहीं, उसने किया है, इसलिए नुकसान भी वही उठाएगा।